Hello students, welcome all. Here I am back with your online drama classes. So students, last video तो आपने देखा ही होगा, where we discussed about drama. That was your theory class. Students, today is your first practical class. Here I am going to discuss about some practical work in theatre that will help you out in your performance. आज हम शुरुआत करेंगे एक warm up exercise से, जिसमें हम 3 points सीखेंगे. नंबर 1 अलर्टनेस ऑफ माइंड, नंबर 2 ब्रीथिंग, नंबर 3 हाउ टू कंट्रोल अवर बॉडी. स्टूडेंट्स, इस वार्म अप एक्सरसाइज के कुछ रूल्स होते हैं. ये जो वार्म अप एक्सरसाइज शुरू होती है, ये डिजिट्स में शुरू होती है, 0 digits, देन 10, 10, 10 भी इंक्रीज होती है, जस्ट लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो ये 0 से लेके 100 के बीच में काउंटिंग चलती है. अब आपको इसमें करना क्या होता है, जो मैंने 0 बताया, 0 का मतलब होता है कि आपको स्टॉप हो जाना. जिस भी स्पेस में आप मूव कर रहे हैं, ये मूविंग एक्सरसाइज है, आपको स्टेज पे सिर्फ या स्पेस पे आपको मूव करना है. तो जैसे ही 0 आता है आपके, तो वैसे की वैसे ही आपको स्टॉप हो जाना है 0. देन उसके बाद जैसे मैंने कहा 10, तो 10 पे आपको अपना नॉर्मली वॉक करना शुरू करना है, जैसे आप नॉर्मल वॉक करते हैं. देन आता है 20, तो 20 पे जो आप वॉक कर रहे होंगे जिस स्पीड से, उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी. देन 30, उसमें भी आपकी स्पीड जो है वो 10 के बाद 20 में जितनी हुई थी, 20 से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी 30 में. ये ऐसी जिस तरह से नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, वैसी वैसी आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी. अब मेन पार्ट क्या है इस एक्सरसाइज का, ये मैंने बताया कि 0 से लेके 100 तक जाता है, 10, 10 में डिवाइड है ये, और वैसी आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है जैसे आपके नंबर इंक्रीज होते हैं. अब आपको करना क्या होता है, पहले तो आप एक बार पूरी एक्सरसाइज करेंगे 0 से लेके 100 तक. देन उसके बाद क्या करेंगे, आप करेंगे 10. तो आपको देखना होगा कि 10 में आपकी चलने की जो स्पीड है वो क्या है. देन आपने सडनली बोल दिया 50, तो आपको ये देखना होगा कि 10 के बाद 50 पे आप कितना तेज चल रहे हैं. देन सडनली आपने बोल दिया 30, तो आपको देखना पड़ेगा कि 10 और 50 के बीच में जो 30 है, उस टाइम आपकी स्पीड क्या थी. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होता है इस एक्सरसाइज में. अब आपको ये एक स्पेस दिख रही होगी स्टूडेंट, ये जो स्पेस है जहां पे मैं खड़ा हूँ, मैंने इस स्पेस को ऐसा डिवाइड करा है कि इस लाइन से बाहर मैं नहीं जाऊंगा, सामने एक लाइन बनी हुई है इसके बाहर नहीं जाऊंगा, एक यहाँ लाइन बनी हुई है इसके बाहर नहीं जाऊंगा. मतलब एक मैंने प्रॉपर लाइनिंग कर ली है यहाँ पे कि इस स्पेस से मुझे बाहर नहीं जाना. अब मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 का मतलब होता है स्टॉप, और फिर धीरे धीरे ये नंबर इंक्रीज होंगे, और उसके साथ साथ जो आपकी स्पीड है चलने की वो भी इंक्रीज होती जाएगी, और या अगर नंबर डिक्रीज होंगे तो आपकी स्पीड भी डिक्रीज होगी. तो हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज 0. 0, 10, 20, 30, 40. Hundred.
एंड 80। Then 50, then 20, then 10, and then 0. Students, now I relate this exercise with our performance. मैंने एक्सरसाइज के शुरू में बताया था आपको कि तीन पॉइंट्स हैं इस एक्सरसाइज के। नंबर वन, ब्रीथिंग, कि हमारी ब्रीथिंग कैसी होगी। नंबर टू, हमारा बॉडी कंट्रोल, हमारा बॉडी का कंट्रोल क्या होगा। और नंबर थर्ड, हमारा माइंड अलर्टनेस, कि हमारा माइंड कितना अलर्ट। जब आप प्ले करते हैं और प्ले में कोई सीन चल रहा होता है जहाँ पर स्टेज पे एक कैरेक्टर बैठा हुआ है और उसको दूसरा कैरेक्टर बुलाने के लिए आ रहा है, जस्ट लाइक कि कोई इंसान यहाँ बैठा है और जो वहां से आ रहा है वो कोई दूसरा इंसान आ रहा है और वो आपको ये बताने आ रहा है कि पुलिस आ रही है यहाँ पे, अब आपको यहाँ से भागना है। तो आपको ये देखना होगा कि जब वो एंटर होगा तो वो किस स्पीड में एंटर होगा, क्योंकि वो आपको बताने आ रहा है पुलिस आ रही है, आपको यहाँ से भागना है। वो आपको बताने के आएगा कि आपको यहाँ से उठ के जल्दी से भाग जाना है वरना पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो क्या होगा कि वो जब वहां से भागता हुआ आएगा तो उसकी सांस आपको देखनी पड़ेगी, ब्रीथ कैसी चल रही होगी, या उसका बॉडी जेस्चर कैसा होगा, उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल होगा या नहीं होगा, यह आपको देखना होगा। और माइंड अलर्ट, कि वो जब वहां से यहां पर आके बोलेगा तो कहीं अपना डायलॉग भूल ना जाए। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी एक ही टाइम पे, तभी आप इसको अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी जो एक्सरसाइज हमने करवाई है इसमें हमें ये चीज सीखना है कि हमारी बॉडी पे हमारा कितना कंट्रोल है, हमारे माइंड हमारा कितना अलर्ट है, और जो हमने भाग के कहीं से आते हैं तो हमारी सांस या हमारी ब्रीथिंग कैसी होगी। क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल इंसान भाग के आता है तो उसकी सांस कैसी फूलती है, कहीं दूर से आप भाग के आ रहे होंगे तो आपकी सांस फूलने लगती है, वही चीज हम इस एक्सरसाइज में आपको बताना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस एक्सरसाइज के माध्यम से। अब आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज मैंने आज बताई है ये घर पे आपको करनी है एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और हो सके तो एक छोटी छोटी क्लिपिंग कुछ एक्टिंग के, कुछ इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्लिपिंग बना के आप मुझे सेंड करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।